अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी मिल सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपने लाजमी तौर पर यह कर लेना है, स्टेट हुक्स लॉ ऑल्सो डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। हुक्स का आपने लॉ याद करना है और उसके अलावा रिस्टोरिंग फोर्स याद करनी है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर क्या फ़र्क है। उसके अलावा तीसरा सवाल, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हैविंग स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। उसके अलावा चौथा जो सवाल है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों। उसके अलावा पाँचवा जो सवाल है वो है, वॉट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूज़िक और शोर, शोर में और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है। उसके अलावा छठा जो सवाल है वो है, स्टेट लेंस लॉ, लेंस का कानून आपने याद करना है। उसके अलावा सातवां सवाल है, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। राइट इट्स सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर इसका क्या फ़र्क है। उसके अलावा राइट प्रिंसिपल एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर आपने याद करना है। उसके अलावा दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रा सोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के अंदर आपने फ़र्क जो है वो याद करना है। इसके अलावा व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके अलावा एक्सप्लेन ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। उसके अलावा राइट डिफरेंस बिटवीन स्टॉप अप एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर आपने जो है वो फ़र्क याद करने हैं। दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं आपके पास, स्टेप डाउन और स्टेप अप। उसके अलावा दोस्तों, व्हाट इज़ साइलेंट विस्टल, साइलेंट विस्टल जो है वो क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ रिले। उसके अलावा दोस्तों, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसकी डायग्राम आपने लाजमी तौर पर करनी है। उसके अलावा दोस्तों, आपके पास सवाल है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके अलावा स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपने लॉज याद कर लेने हैं दोस्तों। इक्कीसवां सवाल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और व्हाट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके अलावा दोस्तों, डिफाइन सीआरओ और राइट पार्ट्स ऑफ सीआरओ, सीआरओ लिखना है या आपने सीआरओ के पार्ट्स लिखने हैं। उसके अलावा व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट देयर टू यूजेस, उसके यूजेस भी लिखने हैं आपने करना है। एक्सप्लेन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आपने करना है। राइट द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज सीआरओ और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन क्या है, और राइट द पर्पस ऑफ ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन गन। उसके अलावा दोस्तों, आपने करना है यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम भी आपने बनानी है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन डिजिटल क्वांटिटीज एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा दोस्तों, करना है डिफाइन रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज, ठीक है, व्हाट आर एनालॉग क्वांटिटीज, गिव एंड एग्जांपल्स। उसके अलावा दोस्तों, आपने करना है स्टेट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का लॉ आपने याद करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन एडीसी एंड डीएसी। उसके अलावा स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ एंड गेट, ठीक है, ड्रॉ इट्स सर्किट सिंबल, ड्रॉ डायग्राम एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल। आपने एंड का जो है वो ट्रूथ टेबल बनाना है गेट का। डिफाइन रिफ्रेक्शन इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट और व्हाट इज़ मीन्ट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अलावा व्हाट इज़ और गेट,
और गेट जो है वो आपने याद करना है, उसके अंदर क्या होता है और उसका आपने जो है वो डायग्राम वगैरह आपने याद करनी है। 37वां सवाल है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स टू कंडीशंस। उसके बाद व्हाट इज़ नॉट गेट। दोस्तों आपने तीनों गेट जो है वो इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसका टेबल और इसके सिंबल एंड और नॉट। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज़ 90 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड एयर इज़ 1.33 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन और डिफाइन डेटा। डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस व्हाट इट्स एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट क्या है। उसके बाद डिफाइन इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद और व्हाट इज़ द टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपने याद करने हैं। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है। उसके बाद दोस्तों ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2f फोकल लेंथ पे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हाट इज़ फैक्स मशीन एंड हाउ इट वर्क्स। फिक्स मशीन क्या है और ये कैसे रन करती है, रन होती है। डिफाइन चार्ज व्हाट इट्स यूनिट एंड प्रॉपर्टीज़। चार्ज क्या है, इसके यूनिट क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कूलम का जो चार्ज है। व्हाट इज़ सेल फोन एंड फोटो फोन। ठीक है, सेल फोन और फोटो फोन क्या है। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके बाद दोस्तों आपके पास है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोस्कोप, राइट इट्स यूजेस एंड कंस्ट्रक्शन। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फ़र्क क्या है। उसके बाद दोस्तों 55 जो सवाल है, स्टेट कूलम्स लो, कूलम्स का लो आपने यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज़ फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क क्या है। डिफाइन एन इलेक्ट्रिकल फीड, इलेक्ट्रिकल फीड क्या है। डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों आपने करना है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट इज़ फार्मूला, इट्स का फार्मूला आपने याद करना है। डिफाइन इंटरनेट, मेक लिस्ट ऑफ इट्स यूजेस, इंटरनेट क्या है और इसके यूजेस क्या हैं आपके पास। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट टू करेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टू करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल क्या है और इसके एडवांटेजेस। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है और इसका यूनिट। डिफाइन एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड मास, एटॉमिक मास, मास नंबर और एटम आपने डिफाइन करना है। ये तो 9th क्लास से आपने पढ़ा होगा। हाउ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर कैसे कनेक्टेड होते हैं उसकी डायग्राम वगैरह आपने यहाँ पे करनी है। और ये दोस्तों आपकी सीरीज के अंदर भी आपने जो है वो पैरेलल के अंदर भी वो भी आपने करनी है। डिफाइन आइसोटोप्स एंड इट्स एन एग्जाम्पल, आइसोटोप्स क्या है वो आपने करना है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फोर्स फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल और फिक्स्ड कैपेसिटर के अंदर फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अंदर फ़र्क क्या है। राइट यूजेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के यूजेस क्या है। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है और इसकी यूनिट आपके पास क्या है। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन। उसके बाद व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको क्यों मेजर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा रेज, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने चार चार याद करनी है। एक्सप्लेन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिकल करंट। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाय आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल। उसके बाद व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इट इज़ मेजर्ड। डिफाइन हाफ लाइफ, ऑल्सो राइट हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 की, हाफ लाइफ क्या है और कार्बन की हाफ लाइफ आपने करनी है। एक्सप्लेन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने डिफाइन करना है। राइट आर व्हाट आर रेडियो
आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स क्या हैं। अगर ये आपको वीडियो के अंदर सवालात समझ नहीं आए या आपको पढ़ने में दुश्वारी महसूस हो रही है तो हम आपकी सहूलत के लिए ये तमाम ही 10th क्लास के फिज़िक्स के गेस पेपर की आपको PDF के अंदर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये पूरे सवालात 10th क्लास के फिज़िक्स के गेस पेपर के आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास महफूज करके रख लें ताकि आपको आसानी हो इसको याद करने में और इसको जो है वो पढ़ने में और इसको नोटिफाई करने में। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाएं, ये तमाम तर जो आपको 10th क्लास का फिज़िक्स का गेस पेपर हम बता रहे हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। 81 सवाल है, वो है स्टेट ओहम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओहम लॉ क्या है और इसकी एक्सप्रेशन यानी इसका जो फार्मूला कैसे बना। डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है और इसकी यूनिट। व्हाट फॉर रिस्क ऑफ रेडिएशंस एंड राइट प्रिवेंशंस। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ट बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। उसके बाद राइट एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट्स की आपने जो है वो एडवांटेज। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस, ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों आप कर लीजिएगा। स्टेट जूल्स लॉ। उसके बाद स्टेट फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज़ मीन्ट बाय इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है इसकी यूनिट भी आपने याद करनी है। उसके बाद दोस्तों डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी के अंदर क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ डीसी मोटर। व्हाट इज़ सर्किट बार्कर। राइट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, डिफरेंस आपने याद करना है कंडक्टर और इंसुलेटर्स के अंदर। उसके बाद स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। व्हाट इज़ मीन्ट बाय क्वालिटी ऑफ साउंड। व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। व्हाट इज़ लाउडनेस, व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड इट्स पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड इट्स पिच के अंदर क्या फ़र्क, पिच के अंदर क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या फ़र्क है। डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास डिफाइन लाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड्स और फ्रीक्वेंसी, ये तो फिज़िक्स के बेसिक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गी 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 ट्यूडिनल